सूर्यास्त के बाद इन चीज़ों को दान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण ग्रंथ में हमेशा अच्छे कर्म की बात कही गई है, लेकिन यदि आप अच्छे कर्मों को भी सही समय पर नहीं करते हैं तो ये दरिद्रता और मुसीबत का कारण बन सकती हैं। दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि खुद श्री कृष्ण ने क्या बताया है। श्री कृष्ण ने गरुण पुराण में बताया है कि सूर्यास्त के बाद और शाम के समय कुछ चीज़ों को भूलकर भी दान नहीं देना चाहिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित महापुराण है। यह सनातन हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है, जिसमें जन्म मृत्यु पाप पुण्य और कर्म से संबंधित बातें भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में भगवान कृष्ण कर्म के बारे में बताते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु पश्चात व्यक्ति को स्वर्ग या नरक किसकी प्राप्ति होगी, ये केवल उसके कर्मों पर भी आधारित होता है। इतना ही नहीं, अच्छे कर्मों को करने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में भी सुखों का भोग करता है, लेकिन कुछ अच्छे कार्य आपके लिए मुसीबत भी बन सकते हैं। जी हाँ, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि आप पुण्य या फिर अच्छे कामों को भी उचित समय पर नहीं करते हैं तो यह दरिद्रता का कारण बन सकता है। जानते हैं कौन से हैं वो कार्य जिन्हें सही समय पर ना करने से इसके दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं और जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। शाम के समय घर की साफ सफाई करना। घर की साफ सफाई करना अच्छी बात है और ऐसा घर में माँ लक्ष्मी का वास लाता है, लेकिन संध्या काल या सूर्यास्त के बाद घर की सफाई करने, झाड़ू पोछा लगाने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ऐसे लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है सूर्यास्त को दान करना। दान करना सबसे अच्छे पुण्य कर्मों में से एक है। जरूरतमंदों और गरीब लोगों को दान करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन भूल कर भी सूर्यास्त के बाद दान ना करें। ऐसा दान केवल और केवल बर्बादी का कारण बनता है। इसके साथ ही इन बातों का भी खास ख्याल रखें कि कभी भी गंदे वस्त्र, फटे पुराने कपड़े और पुराने या फटे जूते चप्पल का दान नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ों का दान करने से आप पुण्य नहीं बल्कि पाप के भागी बनते हैं। और किन दिनों तुलसी में जल नहीं देना चाहिए? देखिए दोस्तों, गरुण पुराण में बताया गया है कि तुलसी में जल देने और पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार, एकादशी और सूर्यास्त के बाद तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। इन नियमों का पालन ना करने से घर में दरिद्रता छा जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों।